आज जिला प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा एबीवीपी का पुतला दहन किया गया एवं अनुरोध किया कि वे छात्रों के हित एवं शिक्षा के भी अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएं। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षक के हित में किया गया स्थानांतरण का विरोध किया जाना शिक्षक संघ को सीधी आंख दिखाना है। बता दें कि जहाँ ई कोर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद एवं मैट्रिक वेतनमान के कार्यकर्ता स्नातक योग्यताधारित शिक्षक का पद भारी तादाद में खाली है, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा संघ ने आरोप लगाते हुए यह कहा कि बिचौलिए शिक्षकों में एबीवीपी गठजोड़ पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हमें हमारे प्रोन्नति को रोका जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। उनके इस गलत मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो बिचौलिए ने राशि उपार्जन किया धनंजय उपाध्याय के समय में, वो सभी मिल करके एबीवीपी के साथ इस आंदोलन को खड़ा करके और हमारे शिक्षक के प्रोन्नति को रोकना चाहते हैं, उनके अन्य कार्य को रोकना चाहते हैं। इसलिए हमने अनुरोध किया कि आप पढ़ने लिखने के लिए काम करें। हमारी आदत नहीं है विरोध करने का, हमको आपसे टकराने का कोई कारण नहीं है। अगर आप विरोध करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस आंदोलन को तेज करेंगे। एबीवीपी का आरोप है कि शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ी में शराब की बोतलें, इस बारे FIR हुई। यह बात सरासर गलत है, लेकिन हमारे श्याम बाबू राम के दामन पर कोई दाग नहीं है। वो शराबी नहीं है, वो कर्मयोगी है। रही बात भ्रष्टाचार का, कपड़े के अंदर आप भी नंगे हैं, कपड़े के अंदर हम भी नंगे। हमें भ्रष्टाचार के मुद्दे को दरकिनार कर तत्काल प्रोन्नति के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। कर उनके चहेते कुछ लोग संगठन विरोधी के साथ गठबंधन करके इनको खड़ा करके आंदोलन करवा रहे हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद सिंह, प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक बेगूसराय।